पहाड़ों पे आ जाओ और चाय मिल जाए ना आपको, मज़ेदार। पता नहीं लोग बाग आके दारू और शराब क्यों पीते हैं ऐसी जगहों पे। चाय वाय पियो, इससे बढ़िया और क्या मिलेगा। इससे बढ़िया तो न्यू टिहरी चले जाओ। न्यू टिहरी पे आपको एक रूम 800 रुपए का भी मिल रहा है, और डैम देख के आओ, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। पहाड़ तो वहाँ पे भी है, सफर वो भी बहुत अच्छा है, रास्ते वहाँ पे भी ऐसे मिलेंगे। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज चुके हैं 9:05 और मैं हूँ फिलहाल CNG पंप पे। आप देख सकते हो यहाँ पे लाइन लगी हुई है बहुत लंबी। तो अभी जो मेरा प्लान है वो है बेसिकली यहाँ से चक्राता हम होके आ चुके हैं सोनी के साथ में, आपने देख लिया होगा। तो अब यहाँ से जो प्लान है मेरा, सोच रहा हूँ मैं न्यू टिहरी चला जाऊँ डैम। अगर वैसे तो थोड़ा बहुत तो एंट्री करने ही देते हैं डैम में, तो डैम चला जाऊँगा, डैम देख लेंगे। और थोड़ा सा आपको भी दिखाता हूँ कि किस किस तरह के जो है नज़ारे हैं, क्या क्या वहाँ पे मिलता है, वो सब भी कवर करते हैं इस वीडियो के अंदर। थोड़ा कंटिन्यूटी रखिएगा चैनल के ऊपर, क्योंकि मैं तो पार्ट टाइम व्लॉगर हूँ सोनी के चैनल पे, मतलब सोनी का चैनल ही है। तो तब पता चलेगा जब वो आएगी, अगर वो होती ट्रिप है तो ज़्यादा खास था, लेकिन हाँ मुझसे तो इतना होता भी नहीं है। लेकिन हाँ फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा दूंगा कि आखिर वहाँ पे मिलता क्या क्या है। तो दोस्तों पहली बात तो टिहरी जाने का जो प्लान था वो कैंसिल हो चुका है, और मैं आ चुका हूँ मसूरी। जी हाँ, अब मसूरी इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं अगर ज़्यादा दूर जाता तो मुझे घर पहुँचने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। तो मैंने उस टाइम को बचाने के लिए मैंने ये प्लान किया कि चलो मसूरी चलते हैं। मसूरी भी अच्छी डेस्टिनेशन है, आपके सामने है फिलहाल किस किस तरह की लोकेशन है। तो मसूरी जाने का फैसला करा था, अभी मैं मसूरी आ चुका हूँ। बस यहाँ पे पीछे चाय पीनी है, चाय पी के अपना थोड़ी बहुत देर में थोड़ा सा ऊपर चढ़ाई बची है वहाँ पे भी चले जाएंगे, और थोड़ा सा देखते हैं कुछ अगर वीडियोस वगैरह बनी अच्छी सी तो आप लोगों को बनाकर डालते हैं। चाय आ चुकी है और पीछे का वेदर बहुत बढ़िया लगा मुझे, फर्स्ट क्लास है। चाय पी के देखते हैं कैसी वैसे, भाई ने बढ़िया बनाई, अदरक वदरक डाल के खुशबू तो अच्छी आ रही है। हेलो भाई, बहुत बढ़िया। तो पहाड़ों पे आ जाओ और चाय मिल जाए ना आपको, मज़ेदार। पता नहीं लोग बाग आके दारू और शराब क्यों पीते हैं ऐसी जगहों पे। चाय वाय पियो, इससे बढ़िया और क्या मिलेगा। सफर भी रास्ता भी अच्छा है वैसे, आगे तो सारी चीज़ पसंद है वैसे। पहाड़ या हम चक्रा तो होके आए थे, वैसे तो नहीं है रास्ते, चक्राता का रास्ता था और बहुत ही अल्टीमेट था, मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा, क्योंकि पूरा खाली और बहुत ऊंचाई पे है चक्राता। मसूरी इतना नहीं है, ये चढ़ाई आ गया मसूरी, मतलब आपकी ओवरऑल 20 किलोमीटर के आसपास की चढ़ाई है, लेकिन अगर आप चक्राता जाते हैं तो आपको करीबन 50 किलोमीटर की चढ़ाई मिलती है। तो आप सोचो कितना बढ़िया रास्ता होगा, उससे बाद में आप टाइगर हिल भी जा सकते हो। यहाँ इतना कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, मतलब एक दो फॉल हैं वहाँ चले जाओ, या फिर आप मसूरी में मालोड चले जाओ। मेरा पर्पज़ कुछ और था आने का, लेकिन ठीक है अब देखते हैं वो पूरा होता है कि नहीं होता। लेकिन हाँ, पहाड़ों पर चलने का या चाय पीने का मज़ा कुछ और ही है। चाय ख़त्म, सफ़र शुरू। ये पैक हो गई भैया गाड़ी, और चलो जी लेट्स गो फॉर क्रैकिंग गाइस। ये हो गया हमारा सफ़र शुरू, बढ़िया। लेकिन एक चीज़ है यार, यहाँ पे चीज़ें महंगी बहुत है, आप कहीं पे भी चले जाओ कुछ भी ले लो, चाय आपको 20 रुपये से नीचे नहीं मिलेगी। होटल का रूम मसूरी में आपको 2500 से 3000 5000 से शुरुआत होगी। इससे बढ़िया तो न्यू टिहरी चले जाओ। न्यू टिहरी पे आपको एक रूम 800 रुपये का भी मिल रहा है, और डैम देख के आओ, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। पहाड़ तो वहाँ पे भी है, सफ़र वो भी बहुत अच्छा है, रास्ते वहाँ पे भी ऐसे मिलेंगे, अलग है। वो मसूरी हो गया, शिमला हो गया, मनाली हो गया, इनका तो हवा बना के रख दिया बहुत ज़्यादा, कुछ हो ना हो पर आपको पैसा ज़रूर लूट लेंगे आपसे। खैर इनके पास में कुछ साधन भी नहीं है, पैसा तो करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पहाड़ों पे थोड़ी सी ना लाइफ भी स्ट्रगलफुल होती है। सब्जियाँ नहीं होती, सब नीचे से आती हैं, उसका भाड़ा देना पड़ता है, किराया देना पड़ता है, दूध नीचे से आता है उसका किराया देना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ी सी महंगी है। चलो यार अंडरस्टूड है, समझते हैं इतना। तो फाइनली आई हैव रीच्ड मसूरी, पास में ही आ गया अब तो बिल्कुल। रोशनी भी आप बहुत तेज है यार, मतलब आप दिल्ली चले जाओ वहाँ पे प्रदूषण ही प्रदूषण मिलता है तो पता ही नहीं चलता, लेकिन यहाँ पे बढ़िया है, रोशनी भी अच्छी है। और देखो ये आ गई भाई पहाड़ों की रानी मसूरी। फिलहाल वेदर ठीक है, बस थोड़ा सा धुंध धुंध है यहाँ पे, बाकी और तो कुछ नहीं है। अभी जिनसे मिलने आया था वो थोड़ी बहुत देर में आने वाले हैं, तो इतने वेट ही कर रहा हूँ, गाड़ी खड़ी कर दी है मैंने। 5-6 मिनट कह रहे थे कि 5-6 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम भाई लग जाएंगी उनको, तो इसलिए बस थोड़ा सा वेट करूँगा और कुछ नहीं है। खाना वाना तो खा के अपना दिया था वो ले लिया, वो खा लिया, नाश्ता कर लिया था, चाय पी लिया, और मेरे ख्याल से तो कुछ और जरूरत है नहीं।
अब तो बस थोड़ा सा वेट करके फिर निकल जाएंगे। लेकिन आपने रास्ता कैसा लगा, जैसे मैंने आपको दिखाया, आई बिलीव कि भैया रास्ता बहुत बढ़िया लगा होगा आपको, क्योंकि यार मसूरी का रास्ता भी ठीक है बट नॉट लाइक चकराता। चकराता का रास्ता बहुत ज़्यादा बढ़िया था, वो रास्ता बहुत अच्छा था। लेकिन मुझे बहुत अच्छी लोकेशन मिली है, एक जाने से पहले सोचा कि आपको ये वाली लोकेशन ज़रूर दिखा दूँ। वाह, यहाँ से नज़ारे दिखाए जाएंगे आपको, सुपर। वहाँ ऊपर खड़ी है मेरी गाड़ी, आया भी दो मिनट में। वाह, ये आ गई लोकेशन। अब यहाँ से देखो आप, बढ़िया यार, बहुत अल्टीमेट लोकेशन, गजब। ये ज़रूर चीज़ मुझे पसंद आई। थोड़ा सा नीचे उतर के है, आपको थोड़ा सा आना पड़ेगा नीचे, नीचे से बाद में फिर आप यहाँ आराम से अपना बैठो। वैसे यहाँ पे देखो अंगीठी वगैरह जलाई हुई लोगों ने, पार्टी वार्टी करी हुई है, वो बोतलें फेंकी हुई हैं। भैया आते तो लोग नुकसान बहुत करते हैं, पहाड़ तो आधे ख़राब कर दिए लोगों ने, देखना कांच की बोतलें पी पी के फोड़ी हुई हैं। खैर, लोकेशन तो बढ़िया है, नो डाउट। यहाँ से सीधा, मतलब आप खड़े हो, देखो यहाँ खड़े हो गए, और यहाँ से सीधे नीचे कुछ भी नहीं है, परफेक्ट लोकेशन। वहाँ दूर कोई मंदिर भी है, हाँ पता नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों फाइनली मेरा तो काम हो गया, जिस काम के लिए मैं आया था वो ख़त्म होने के बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा घूम लिया जाए, पर यहाँ तो कुछ रास्ता समझ ही नहीं आया मुझे। तो फ़िलहाल मैं अपना वापसी की तरफ, मुजफ्फरनगर वापसी चाह रहे हैं अभी, तो कुछ ज़्यादा तो यहाँ घूमने के लिए मुझे लगा नहीं, इससे अच्छा तो चकराता ही था, ठीक है, पर ओवरऑल कुछ ऐसा नहीं है यहाँ पे। कैंपटी फॉल जाओ तो कैंपटी फॉल और ज़्यादा 20 किलोमीटर दूर है, और सेम डे क्या फ़ायदा यार, इतनी भीड़ है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है जैसे सबका कोविड का तो ख़त्म हो गया डर, कुछ है ही नहीं कोविड तो, बिल्कुल ही जीरो है मामला। लेकिन हाँ, नज़ारे ठीक है, थोड़े से अच्छे लगे मुझे, बढ़िया फर्स्ट क्लास है। चलो भाई, घर की वापसी है, बहुत घूम लिया। बीच का एक स्टॉपेज, क्योंकि भूख लगी थी तो सोचा कि मैगी बनवा लेते हैं, मैगी बनवाने के लिए आया। लेकिन यहाँ पे दिखाई दिया मुझे एक छोटा सा टोकी, देखो दांत दिखा रहा है भैया, पीछे ही चले जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, काट कूटना ले वैसे डर लगता है। लेकिन यहाँ बच्चों के टॉयज़ बहुत है, कितने सारे, बहुत बढ़िया बढ़िया टॉयज़, अच्छे लगेंगे सब। तो मैं तो रुकी हूँ मैगी खाने के लिए, और उसके बाद में फिर तो सीधा घर ही जाना है, और चाय वाय जो भी लेनी होगी यहीं पे पी लेंगे। आगे तो फिर सीधे नॉन स्टॉप गाड़ी रुकेगी, नॉन स्टॉप टू मुजफ्फरनगर। 40 किलोमीटर के आसपास दूर हूँ, तो मुझे पहुँचने में अभी लग जाएगा 1 घंटा। तो शाम को पहुंचा तकरीबन मैं 8 बजे, और फिर आते ही आज अगले दिन मुझे करानी थी गाड़ी की पूरी सर्विस, और थोड़ा सा काम कराना था टायरों का, और ऊपर से ये एयर फिल्टर भी मुझे फिर नया ही डलवाना पड़ा बिकॉज ये टूट गया था। तो ये काम भी मैंने फाइनली अपनी गाड़ी का करवा लिया, और आफ्टर सर्विस, बिकॉज सर्विस भी इसकी होनी है, आफ्टर सर्विस क्या भी सर्विस करानी है इसकी, इसी हिस्से में अभी साथ के साथ इसकी सर्विस भी हो जाएगी, क्योंकि चकराता गई वहाँ से भी आ गए, और यहाँ पर भी फिर इसके शॉकर में भी कुछ आवाज़ थी, तो ये भी चेंज कराया मैंने दोनों तरफ के, और साथ के साथ में इसका थोड़ा सा आरपीएम इशू भी था, ये दूसरी तरफ का है, थोड़ा सा आरपीएम इशू था, तो उसको टोटल बॉडी को भी फिर मैंने नया, मतलब इसको ठीक कराया, इसको पूरा साफ कराया, प्लग और ये सब चीज़ें, और अपना ये एयर फिल्टर जो है वो नया डलाया। तो ये बेसिकली सर्विस का काम भी पूरा पेंडिंग था, तो सोचा आज सर्विस भी करा ही लेते हैं, फिर तो अगला काम दोबारा से प्रोसेस शुरू हो ही जाना है। अब कुछ दिनों बाद बस इसके टायर जो है वो टायर भी ख़राब हो चुके हैं, अब अगला नंबर इन टायरों का है, टायर चेंज कराने। भाई साहब बहुत चला ली गाड़ी इस बार, तो बहुत लंबे लंबे टूर जो है ये गाड़ी कर चुकी है, तो लेकिन मज़ा आया। आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा दोस्तों, और आपको चैनल पे मज़ा आया, आपको लगता है ये वीडियो या ये चैनल आपको एंटरटेन करता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक जरूर करिए, और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जो कोई भी फैमिली व्लॉग्स वगैरह देखने में इंटरेस्टेड होते हैं। फिलहाल अगला व्लॉग जो भी आएगा वो सोनी का ही आएगा।